कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने सोलन में आयोजित प्रेस वार्ता कर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को घेरा और उन पर तीखी टिप्पणियां भी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संकट चला हुआ है, प्रदेश में भय का माहौल बना हुआ है, संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, यहां तक कि मृत्यु दर भी बढ़ चुकी है, लेकिन प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री इन सब बातों से अनभिज्ञ लग रहे हैं और वे केवल नगर पंचायतों और नगर परिषद के चुनावों में ही व्यस्त नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्हें आम जनता से कोई लेना देना नहीं है और वे केवल राजनीति करने के लिए ही स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने मीडिया के माध्यम से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान उनके जिला के क्षेत्रीय अस्पताल करवाया और कहा कि सोलन के अस्पताल में काफी समय से वेंटिलेटर आ चुके हैं, लेकिन वे अभी तक इंस्टॉल नहीं हो पाए हैं। अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल चरमरा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अगर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के जिला का ये आलम है तो प्रदेश के अस्पतालों की क्या स्थिति होगी और वे खुद अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री परमाणु नगर परिषद चुनावों में इतने व्यस्त हैं कि उन्होंने बेही डेरा डाल लिया है और वे भूल चुके हैं कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं और उन्हें प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का जिम्मा भी सौंपा गया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री को भी याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, जिला का जो हॉस्पिटल है, जिला का जो हमारा इतना बड़ा स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ की क्या दुर्दशा है। 7 वेंटिलेटर वहाँ पे पिछले 3 महीने से धूल झाड़ रहे हैं। कोरोना काल में वेंटिलेटर की कितनी सख्त जरूरत है, वो उनको सूझ ही नहीं रहा। स्वास्थ्य विभाग के जो यहाँ अधिकारी हैं उनसे अगर पूछो तो वो कहते हैं हमारे पास जगह नहीं है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को इस और बड़ी ध्यान से देखना चाहिए, ध्यान से एक्शन लेना चाहिए कि यहाँ क्या रिक्वायरमेंट है इस हॉस्पिटल में। अब उससे नज़दीक का हॉस्पिटल नहीं समझ रहा, नज़दीक की स्वास्थ्य सेवाएं उनके बस से बाहर है तो प्रदेश में क्या हाल है आप समझ सकते हैं, आम नागरिक समझ सकता है। वो उल्टा जो पंचायती राज चुनाव है या नगर परिषद के चुनाव या दूसरे उस लेवल के चुनाव में उलझे हैं। उनका मंत्री लेवल का स्तर है, उनको ऊपर की बात सोचनी चाहिए। ये छोटे लेवल के जो चुनाव है ये और कार्यकर्ता भी लड़ लेंगे और कार्यकर्ता भी इसका फैसला कर लेंगे, वो परमाणु में डेरा डाल के बैठ जाते हैं। उनको इस सेवाओं की तरफ ध्यान, स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस हॉस्पिटल की दशा उन्हें सुधारनी चाहिए।